बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह पहलवानों के कहे जाने वाले गांव मलकपुर पहुंचे, जहां पर एशिया चैंपियनशिप सुभाष पहलवान के घर आए सुभाष पहलवान की दादी से मिले, उनका पैर छूके आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं बता दें कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह का कहना है कि जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता उनका कहीं भी सम्मान नहीं होता, हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए तरसते हैं। सभी लोगों से अपील करता हूँ कि बुजुर्गों का सम्मान करें, शनि के लिए आज जो है 114 साल की अम्मा जी है, दादी जी, उनका आशीर्वाद दिया। देखिए, मुझे बहुत देर में इस बात का मालूम चला जो हमारे एशिया के चैंपियन सुभाष पहलवान जी ने बताया कि उनकी दादी 114 वर्ष की है। मैंने अपने क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र के बाहर भी जहाँ कहीं मुझे मालूम चलता है कि कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष हो, जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर है, उनका दर्शन करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। उनके पैर छू कर के मैं उनका आशीर्वाद लेने का कोशिश करता हूँ और मुझे इस बात में बड़ा विश्वास है कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद निश्चित रूप से काम करता है। देखिए, कुछ बातें दुनिया में दिखाई देती हैं, कुछ दिखाई नहीं देती। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये शब्द दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन प्रभावित करते हैं। ऐसे हवा से हम लोग सब जिंदा हैं, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन प्रभावित करती है। ऐसे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद भी निश्चित रूप से काम करता है और इसीलिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए, जी दादी बलदेई, जिनकी उम्र लगभग 114 वर्ष है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर आया। उन्होंने बहुत दिल से मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं तो भगवान का ये एक प्रकार से उनकी कृपा समझता हूँ कि बड़े बूढ़ों का हम आशीर्वाद ले सकें, उनकी सेवा कर सकें। मुझको लगता है कर्मों का फल आदमी को निश्चित रूप से मिलता है। ये सुभाष जी भी इस बात को कह रहे थे, मैं भी कहता हूँ, जो जैसा करता है वैसे भरता है। अगर हम अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करेंगे, शुश्रूषा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, जब हम लोग अपनी उम्र में आकर के बूढ़े हो जाएंगे, हमारी सेवा करने वाले भी लोग भी जो है परिवार में, परिवार के बाहर मिल जाएंगे।